पूरे साउथ एशिया की एकमात्र फैक्ट्री जो कि हमारे हिंदुस्तान में है। ये दुनिया का जितना महंगा खेल है उससे भी महंगा इसको बनाने का प्रोसेस। किलोमीटर लंबी मशीनें, अद्भुत सा तरीका और सांप की तरह दौड़ती हुई बोले, एक ही बारी में इस फैक्ट्री से लाखों बोल बनती है। इंग्लैंड हो या अमेरिका, सभी जगह यहीं से सप्लाई होती है। तो चलिए देखते हैं गोल्फ बॉल बनाने की इस कमाल की फैक्ट्री को। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम अजय चौरसिया। चौरसिया जी, थोड़ा सा बताइए आपको उस गोल्फ बॉल बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की क्या क्या जरूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल में सबसे पहले हमें रबड़ की जरूरत पड़ती है। दो तीन प्रकार की रबड़ होती है हमारे पास, उसका फार्मूला आता है। उस फार्मूले के हिसाब से हम रबड़ को यहाँ से कलेक्ट करते हैं जी, और उसको इस मशीन पे कटिंग किया। कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जो भी उसका वेट होगा वो हम यहाँ पे एक्चुअल वेट करेंगे। उसके बाद हम उसको यहाँ लेके आएंगे, ये केमिकल्स है, हम इसको रबड़ को इसमें डालते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें डाली जाएंगी? हाँ, एसओपी के हिसाब से डाली जाती है, प्रोसेस के हिसाब से। रेडी होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेंगे, ट्रॉली में ले लेंगे। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और वहाँ पे ये पूरी बड़ी स्लेट या एक तरीके से मैट की तरह ये इसको प्लेन करके दे देगा, शीट बना देगा पूरा। शीट बनने के बाद अगला काम क्या होगा? ये हमारा कंपाउंड रूम है जी जी, हम यहाँ पे इस तरीके से इसको स्टोर करते हैं। ये किस वजह से की जाती है? ये थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद अगला स्टेप हम यहाँ से मटेरियल उठाते हैं, फिर इसको दोबारा इसको गर्म करेंगे। गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हम बनाते हैं, प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इसको फाइनल करते हैं। अच्छा अच्छा, फाइनल कर लिया, इसके बाद छोटी छोटी पट्टी काटेंगे। कटिंग होने के बाद फिर हम उसको एक्सक्लूजन में लेके जाएंगे। यहाँ से इस रैक को चला के यहाँ पर लेकर आया जाता है। इस मशीन में क्या काम होता है सर? मशीन में ये छोटी छोटी जो पट्टियाँ हैं हमारी जी जी जी, वो हम यहाँ के थ्रू है ना, इसमें यहाँ से डालते हैं। इस मशीन का नाम एक्सक्लूडर है। इसका काम क्या है, ये छोटे छोटे सिलेक्ट काटना है। ओके, सिलेक्ट का हमारा वेट है ना, स्टैंडर्ड वेट है। ओके, 30 है, यानी कि 30 ग्राम का आपका ये अंदर वाला होना चाहिए। होना चाहिए। सिलेक्ट बनने के बाद हम इसको यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पे हमारा कोर बनता है, ये सिलेक्ट ट्रॉली है। ओके, इस पे हम लोड करते हैं। लोड करने के बाद ये हमारा कंप्रेसर मोल्डिंग मशीन है, इस मशीन के अंदर रखा जाता है। उसके बाद फिर हम इसको नीचे डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद ये हमारा सारा सिलेक्ट सेट हो गया, हमने ये मशीन को चालू कर दिया। ओके, और ये फिर धीरे धीरे अपना ऊपर की तरफ इसको ले लगा, यानी कि दोनों हाँ। प्लेट आपस में मिल जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी और ये बॉल बना देंगी। उस साइड से जब बॉल बन जाती है तो वो इस साइड से सारी बाहर निकल जाएंगी। हाँ, वो इस साइड से हमारी सारी बॉल इस ट्रॉली में आ जाएंगी। बॉल निकलती है वो इस तरीके से निकलती है। ये कैसी है? अच्छा, इसके चारों तरफ ये लगा हुआ है, इसके रिंग लगी हुई। अच्छा, वे उठा के इस मशीन के अंदर बॉल हमने डाल दी और ये मशीन लगातार ऐसे ही घूमती रहती है। बॉल के चारों तरफ लगी रिंग नीचे की तरफ निकल जाती है और बॉल इसके अंदर रह जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे दो ट्रे लगा के निकालते हैं तो वो इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे वो ऐसी दिखने लगती है। किसी को हम आगे लेके जाते हैं, ये कन्वेयर है, ठीक है, यहाँ से बॉल जाती है। ये कन्वेयर के थ्रू ये हमारे ग्लिवर ग्राइंडिंग है, यहाँ पे हमारी बॉल ग्राइंड होती है। ये लगातार बॉल ऐसे ही घूमती रहती है इसके अंदर और ये ग्राइंडिंग करती रहती है, और उधर ग्राइंडिंग होने के बाद इस साइड से यहाँ पे आ जाती है, बॉल हमारी बाहर निकल जाएंगी। ये हमारे यहाँ जो बॉल को सॉर्टिंग करता है, इसमें हमारा नॉट ओके, ओके, अंडर की ओर, मतलब ये जिस भी खाने में से निकल जाएगी समझिए वो बॉल वो है। और जो हमारे जैसे कोई ओवर साइज है तो उसको हम दोबारा रिसाइकिल में दोबारा ले लेते हैं। चलिए, सॉर्टिंग हो गया बॉलों की हमारी। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये हमारा मोल्डिंग एरिया है, यहाँ पे हमारे कोर के ऊपर कवर चढ़ता है। कवर का एक फार्मूला है हमारा, उसमें हम मिक्स करते हैं कुछ परसेंट कवर, कुछ परसेंट रीग्राइंड और कुछ परसेंट प्लास्टिक दाना। यहाँ पे इस मिक्सिंग मशीन में इसको उठा के डाल लिया जाता है। ये लगातार ऐसे कब तक, कितनी देर चलता है? 10 मिनट की साइकिल है इसकी। उसके बाद वहाँ से हम जो मिक्सर करके मटेरियल लेके आते हैं वो ट्रे में ऐसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद होता है ये हमारा ओवन है, प्री हीटिंग के लिए इसमें रखते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? उसके बाद ये हमारा वैक्यूम सिस्टम है। ओके, इसमें ये हमारा हॉपर है, इसमें हम ये लोड करते हैं। उधर से हमारा ये कोर इसमें डाई के अंदर लगा दिया, हमने कोर बनाया था। हाँ, जो हमने कोर बनाया था वो डाई के अंदर लगा दिया, ये घुमाया हमने, जो हमारे कोर है वो दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, वहाँ पर उनके ऊपर कवर चढ़ जाएगा, कवर चढ़ जाएगा, इस तरीके से मोल्ड हो जाएगा। ये हमारा डिगेटिंग मशीन है, बॉल अलग की जाती है, और ये इस तरीके की बॉल निकल जाएगी। वहाँ से बॉल आने के बाद हमारे पास इधर आती है ट्रॉली में, ट्रॉली से ये ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ से निकलती रहती है, यहाँ से निकलती रहती है और धीरे धीरे ये एक एक बॉल ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चलती रहती है। फिर उधर से एक एक बॉल आगे तक चलती जाती है जी जी जी। और ये हमारे ऑटो कप सिस्टम है। ओके, इसमें हमारे पास एक ऑपरेटर रहता है, वैसे तो ऑटोमेटिक ये चलता है, लेकिन अगर कोई बॉल उल्टा सीधा टेढ़ा भी हो जाता है, जैसे सीम इसका कोई अलग से हो गया तो वो यहाँ पे बराबर करता रहता है, उससे हमारा रिजेक्शन क्वांटिटी कम होती है। और ये दो यहाँ पे सेंसर है, वो जो ओके बॉल होगी ना वो इसमें आएगी, रिजेक्ट बॉल होगी वो इसमें। बहुत बढ़िया, ओके है तो ग्रीन लाइट और रिजेक्शन है तो अपना येलो लाइट है। फिर हमारा इस मशीन में आता है लाइगो बाइवेटर बोलते हैं जी जी जी। उससे क्या होता है, जैसे हमारा ये जो सीम था और ये डिंपल्स हैं वो इसको पॉलिश करता है। ओके, और प्लस वॉश करता है। इसके अंदर ये मीडिया डाला हुआ है हमने। ओके, क्या चीज है ये? मीडिया पत्थर है, और इसके अंदर जो पानी और ये सर्फ डालते हैं वो इसको वॉश करता है, वॉश करता है ऑटोमेटिक तरीके से। पत्थर नीचे की तरफ निकल जाते हैं और बॉल खांचों से बॉल धीरे धीरे ये आगे की तरफ आती चली जाती है। हम यहाँ से ना इधर उसको कलेक्ट करते हैं जी, और उसमें एक एक करके ना बॉल रखते हैं। ओके, ये कन्वेयर है हमारी। ओके, कन्वेयर धीरे धीरे चलती है। ओके, इसमें हमारा एक बॉल वॉशर है, जो पानी है वो हमारी बॉल को ना वॉश करता है, और जो ड्रायर है वो हमारे बॉल को सुखाता है। सुखाने के बाद ये बॉल दूसरी साइड से बाहर निकल जाए। आप ये बॉल आएंगे चेक करने के लिए जी। अगर ओके बॉल है हमारी तो वो ब्लू कैरेट में आएगी। ओके, और जो रिजेक्ट बॉल है वो हमारी येलो कैरेट में आएगी। शॉर्टिंग होने के बाद जो अंदर के लिए जो हमारे जाना है वो यहाँ पे स्टॉक करते हैं हम। ओके,
प्राइमरी के लिए, और जो रिजेक्ट बॉल है वो हम उसको आउटसाइड रिवर के एरिया में डाल देते हैं। ठीक है, बॉल धोने के बाद हमारे पास आ गया। यहाँ आने के बाद हम लोग एक एक बॉल करके ये कन्वेयर पर रखते हैं। हम लोग यहाँ पर पेंट भरते हैं, यानी प्राइमर बोलते हैं, वही भर देते टैंक में। यहाँ आता है और स्प्रे हो जाती है, यहाँ से स्प्रे होता है। के बाद में ये हमारा ओवन है जी, जो भी कुछ है वो खींच लेता है और बॉल को थोड़ा सुखा लेता है। तो बॉल को हीटर के निकलने बाद यहाँ से ठंडा होके बाहर निकलता है। एक एक करके यहाँ से हम लोग अनलोड करते हैं, हम लोग प्रिंटिंग शुरू करते हैं। बॉल को इनके अंदर डाल लिया जाता है, फिर एक एक बॉल आगे इस मशीन में पूरा टोटली ऑटो है वो। यहाँ से एक एक बॉल निकल के आती है यहाँ पर, यहाँ से ये वैक्यूम से उठाई बॉल यहाँ रखी, यहाँ रखी, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आगे जाए। आगे आगे वो क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताइए। आगे हमारा जो लोगो लगाना है जी जी, वो हम यहाँ के प्रिंट करते हैं। ये गोल्फ लिखा आ गया इसमें, ये ऑटोमेटिक तरीके से ऐसे ही चलती रहती है। फिर यहाँ पे भी कुछ और अपना प्रिंट होता होगा और कंटिन्यूअसली चलते चलते वहाँ से होते हुए फिर वो लोड करती है उसको। यहाँ से ये बॉल उठाई और दूसरी तरफ रख दी, फिर यहाँ से ये मैनुअली चेक की जाती है, मैनुअली चेक करते हैं। इसके बाद में इंस्पेक्शन होता है, यहाँ से परफेक्ट बॉल को निकाला जाता है। अगर जिस हफ्ते पैकिंग स्टैंडर्ड है कस्टमर का, उसके अकॉर्डिंग पैकिंग की जाती है। हमारे साथ है टी वेंचर्स के सीईओ मिस्टर श्रेयम शाह जी, अब इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं आखिर टी वेंचर्स है क्या। नमस्कार सर, वेलकम टू द अमेजिंग भारत। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग अस। ओके सर, थोड़ा सा बताइए टी वेंचर्स के बारे में, कब आपने शुरुआत की थी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? टी वेंचर्स पहले तो इंडिया की एकमात्र गोल्फ बॉल मैन्युफैक्चर कंपनी है। प्रोडक्शन और फिर आपकी जो खपत है ज्यादा बॉल की, वो कौन से देशों में है? अभी यूएसए में ज्यादा है, दुनिया की 50% मार्केट यूएसए है। अच्छा। और बाकी सब देश मिलके 50% मार्केट है। कितना प्रोडक्शन हो जाता होगा सर अपने यहाँ? हमारा दिन का 20,000 से 25,000 बॉल का प्रोडक्शन है। सबसे पहले हम हमारी फैक्ट्री में कुछ भी वेस्ट नहीं करते। ओके। कोई टाइप का पोल्यूशन नहीं होता है, ना एयर ना वाटर, हम पूरा का पूरा वेस्टेज को रीयूज करते हैं। चलिए बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।